पे, बाकी कितने पीस टचअप है, कितनी गाड़ी शावर है, फिर ऑनर से मिलके आप भाई JXL जो ये पावर विंडो में आई थी, फिर से गाड़ी कुछ इस तरह से डोर वगैरह आप लोग गाड़ी के चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ हालत में मौजूद है। बैक साइड के डोर में आप लोग देख सकते हैं पावर विंडो का ऑप्शन गाड़ियों में मिली है। 2007 का मॉडल है, 2012 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में है, तकरीबन टायर की कंडीशन भी आप लोग कह सकते हैं 60-70% मिलेंगे। बाकी बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की बात करें, सबसे पहले हम दरवाजों की सीट वगैरह चेक कर लेते हैं, बिल्कुल साफ की हालत में। 2007 का मॉडल है, सुजुकी एल्टो है। बाहर से गाड़ी की कंडीशन मैं आप भाइयों को गाइड कर देता हूँ जी। बाहर से गाड़ी अस्सलाम वालेकुम जी, टोयोटा यारिस और ज़बरदस्त कंडीशन में, 2021 का मॉडल है, फुल ऑप्शन में, ये ऑटो ट्रांसमिशन वाली गाड़ी। इंटीरियर की बात करें, दरवाजे बिल्कुल साफ सुथरे नीट एंड क्लीन कंडीशन में हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी पावर विंडो है जी, पुश स्टार्टर है और ऑटो ट्रांसमिशन। अस्सलाम वालेकुम जी, टोयोटा यारिस और ज़बरदस्त कंडीशन में, 2021 का मॉडल है, फुल ऑप्शन में, ये ऑटो ट्रांसमिशन वाली गाड़ी है। इस गाड़ी की जो टचअप की बात करें, सिर्फ एक फाइंडर इस गाड़ी का टचअप है, वो वीडियो में आप भाइयों को मैं बता दूंगा कौन सा फाइंडर इस गाड़ी का टचअप है। बाकी गाड़ी ओवरऑल इसके अलावा पूरी जेन्युइन मिलेगी। जो कंपनी के एलवायरम इंस्टॉल हैं वो आप लोगों को शो हो रहे होंगे वीडियो में। बाकी टायर्स की बात करें, तकरीबन कह सकते हैं 80-90% तक टायर्स की कंडीशन भी गुड है, वाइट कलर में टोयोटा यारिस। लाइट से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। ग्रिल साइड से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। 2021 का मॉडल है। लग्जरी गाड़ियों की जितनी भी डिमांड्स आई थी भाई, कोशिश करें कि हम लोग बैक टू बैक जो है लग्जरी गाड़ियाँ अपनी वीडियोज़ में जो है ऐड किया करें। बाकी अगर आप लोग किसी गाड़ी का रिव्यू चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिए, जाके हम नेक्स्ट आने वाली वीडियो में उस गाड़ी को भी ऐड करें अपने चैनल पर। तो साइडों में से गाड़ी है कुछ इस तरह से, माशा से बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में। बैक साइड से गाड़ी है कुछ इस तरह से है जी, टोयोटा यारिस 1.5 1500 सीसी, और इससे पहले वाली वीडियो में भी ऐड किया ही मैंने, वो 1.5 थी, ये भी 1.5 है, वो भी 21 का मॉडल था और ये भी 21 का ही मॉडल है। बाकी बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। अच्छा जी, बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की बात करें, दरवाजे बिल्कुल साफ़ सुथरे नीट एंड क्लीन कंडीशन में हमें देखने को मिल रहे हैं। बाकी पावर विंडो है जी, पुश स्टार्टर है और ऑटो ट्रांसमिशन में LCD पैनल वगैरह इंस्टॉल है इस गाड़ी के अंदर, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में। बाकी बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ, और सीटों पर भी लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल है, थोड़ा सा दिखाना मैं आप भाइयों को भूल गया था। अच्छा, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, लेदर कवर वगैरह सीटों पर इंस्टॉल है। बाकी बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर से गाड़ी कुछ इस तरह से, 1.5 के इंजन में माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में, और ड्राई बैटरी वगैरह इंस्टॉल है इस गाड़ी के अंदर, और बोनट की सीलें वगैरह भी गाड़ी के चेक कर सकते हैं। इस गाड़ी का सिर्फ है ना एक फाइंडर टचअप है, तो ये वाला फाइंडर बता रहे थे, बाकी इसके अलावा पूरी की पूरी गाड़ी आप आएँ कोई जेन्युइन मिलेगी। टोयोटा यारिस है, 2021 का मॉडल। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड करें सर इस गाड़ी की आप? 44.5 लाख रुपए डिमांड कर रहे हैं। 2021 का मॉडल है सर, एक फाइंडर इस गाड़ी का टचअप है जी। नंबर प्लेट तो इशू नहीं हुई होगी ना अभी तक? नंबर प्लेट वगैरह इसकी इशू हो गई है, मिल गई आपको? ठीक है, ठीक है। कितने चली हुई सर गाड़ी है? 30,000 जेन्युइन चली हुई है गाड़ी, 1500 सीसी इंजन में। क्या एवरेज देती होगी पर लीटर के हिसाब से अगर आप चलाते हैं तो? चेक तो नहीं करता मैं, लेकिन आज से 10-15 दिन पहले मैंने चेक करी थी, तकरीबन 11 देती इन सिटी में। हाईवे पे 14-15 देगी? हाईवे पे अभी गए नहीं है, लेकिन इतना होगा, 15 सीसी तो इतना ही होगा। ठीक है, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा आपके इस्तेमाल में। 0315-8937-6777। क्या नाम है आपको सर? जवाद हुसैन। कहाँ की लोकेशन जवाद भाई जी? लोकेशन कहाँ की, कहाँ पे गाड़ी है? अच्छा, 5-स्टार ब्लॉक एल की लोकेशन है। जवाद भाई का नंबर जो है स्क्रीन पे हो रहा होगा आप भाइयों को, अगर आप भाइयों को गाड़ी पसंद आती है तो आप लोग परचेस कर सकते हैं। गाड़ी माशाल्लाह से आउट क्लास कंडीशन में, 2021 का मॉडल है, एक फाइंडर इस गाड़ी का टचअप है, इसके अलावा पूरी की पूरी गाड़ी आप भाई को जेन्युइन मिलेगी, 1500 सीसी ऑटो ट्रांसमिशन फुल ऑप्शन वाली। अच्छा जी, तो ये गाड़ी हमारे पास सुजुकी 2004 का मॉडल है गाड़ी की। मैं आउटसाइड की कंडीशन आप भाइयों को बता देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और वाइट कलर में है, आउट कलर की कंडीशन में सिर्फ टचअप है, बाकी कितने पीस टचअप है, कितनी गाड़ी शावर है, फिर ऑनर से मिल जो डिटेल मिल जाएगी। बाकी और टायर्स वगैरह क्या है, गाड़ी की कंडीशन क्या है, वो मैं आप भाइयों को बता देता हूँ। तो टायर्स की बात करें तो अलायरम लगे हैं, तकरीबन कह सकते हैं यार 40% तक फ्रंट वाले टायर गुड हैं, या 50% या 60% तक कह सकते हैं यार बैक वाले टायर जो गुड हैं। बाकी लाइट्स की बात करें तो थोड़ा सा
ब्लैक ब्लैक सा मतलब कि फेड है इस गाड़ी में, बाकी जो इसकी ग्रिल साइड है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। बाकी विंड स्क्रीन से आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी हालत में मौजूद है, कोई स्क्रैचेज नहीं है, कोई क्रैक नहीं है और नो डाउट गाड़ी माशाल्लाह से अच्छी कंडीशन में है। और घर के हिसाब से आप लोग लेना चाहते हैं तो इसकी पेट्रोल थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन सही है। और साइडों में से गाड़ी कुछ इस तरह से, सुजुकी की बलेनो है 2004 का मॉडल है जी। बाहर से गाड़ी टचअप है, इंटीरियर से पूरी की पूरी गाड़ी आप भाइयों को जेन्युइन मिलेगी। बैक साइड से गाड़ी है कुछ इस तरह से, बैक साइड की लाइट्स वगैरह भी आप लोग चेक कर सकते हैं। JXL जो ये पावर विंडो में आई थी और इसका स्टेयरिंग भी मेरे ख्याल में पावर ही था, फिर भी ऑनर के साथ मिलकर पूछ लेंगे कि इसका जो स्टेयरिंग है पावर है या करवाया हुआ है। अच्छी तो बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ और देखते हैं इंटीरियर की क्या कंडीशन है। या इसके खोल दीजिए। अच्छा जी, तो इंटीरियर से गाड़ी कुछ इस तरह से, डोर वगैरह आप लोग गाड़ी के चेक कर सकते हैं, बिल्कुल साफ हालत में मौजूद है। बैक साइड के डोर में आप लोग देख सकते हैं पावर विंडो का ऑप्शन दिया हुआ है, लेदर कवर वगैरह सीट्स पे इंस्टॉल हैं। बाकी फ्रंट साइड की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ में क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ भी देख सकते हैं पावर विंडो का ऑप्शन मिल रहा है हम लोगों को और CNG का ऑप्शन भी दिया हुआ है इसमें, मैनुअल ट्रांसमिशन में JXL पावर विंडो, और इसका मेरे ख्याल में स्टेयरिंग भी पावर है। ये फिर ओनर के साथ मिलकर पूछ लेंगे। बाकी बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ और देखते हैं इंजन रूम की क्या कंडीशन है। फुल अपना इंजन है सर इस गाड़ी के अंदर? अपना इंजन है। कितने सीसी इंजन है सर इस गाड़ी में? 1300 सीसी अपना इंजन है इस गाड़ी के अंदर, EA5 वाला। अच्छा, तो टिकली साइड भी आप लोग गाड़ी के चेक कर सकते हैं, जाम साइड की मुखियाँ वगैरह भी देख सकते हैं। अच्छा, JXL है ये पावर विंडो पावर स्टीयरिंग वाली है सर? जी जी। अच्छा जी, इसमें एक शादी भी आती है, JXR आती है। JXR ठीक है सर, बंद कर दीजिए। क्या डिमांड करें सर इस गाड़ी की आप? इसकी मैं डिमांड कर रहा हूँ 715। 2004 का मॉडल है? 2004 के एंड का मॉडल है। ठीक है। अच्छा, इसमें इंजन इसका बताइए। 110% है इसका। अच्छा, सस्पेंशन वाइज? सस्पेंशन वाइज भी अच्छी है गाड़ी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए। डॉक्यूमेंट्स ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है इसके। अच्छा, कोई जो नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है सर इस गाड़ी की? दोनों जेन्युइन है। टैक्स वगैरह पेड है सर? टैक्स इसका 2020 तक पेड है। अच्छा, मतलब 2 साल का शार्ट है। जी जी, 2 साल। ठीक है सर। अच्छा, AC वगैरह वर्क है इसी गाड़ी का? AC में सिर्फ गैस का काम है। अच्छा, बाकी रिसेंट सर गर्मियों तक मैं इसको चला रहे चला रहा। अभी सिर्फ गैस वर्क रिक्वायर्ड है। सिर्फ गैस का फर्क। ठीक, वो जो भाई लेने आएंगे उनको मैं AC का काम भी करवा के AC का काम भी अब करवा के दे देंगे। पावर विंडो है, पावर स्टीयरिंग JXR JXL के लाते। ठीक है, JXR जो होती है वो शादी होती है इसमें। ठीक है सर जी, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा जो आपके इस्तेमाल में। मेरा नंबर है 0316-2316-160। क्या नाम है? सैयद अदिल शाह नाम है मेरा। लोकेशन सर? लोकेशन मेरी मलीर की है, मलीर कैंट। ठीक है सर, सैयद अदिल शाह के पास गाड़ी मौजूद होती है, मलीर कैंट की लोकेशन है। अदिल भाई, ये बताइए कि इसकी पर लीटर के हिसाब से क्या ले एवरेज होती है? 12 तक दे देती है सिटी में। सिटी में, बाकी अगर हाईवे 15 तक चलेगी, 13-14-15 तक चली जाएगी ज़्यादा है। 1200 सीसी मतलब इंजन इसका? 1300 सीसी इंजन इसका। ठीक है, इसका अपना इंजन, इसका अपना इंजन है, 1300 सीसी इंजन है इस गाड़ी के अंदर। और इसकी जो एवरेज है वो इन सिटी तो 12 दे रहे हैं, बाकी ये जो अगर आउट पे अगर जाएँ तो लॉन्ग टूर पे 14-14.5 या 15 तक आप लोग जा सकते हैं भाई। इसकी एवरेज इतनी ही होती है। जिन भाइयों को इसका एवरेज का इशू है, हाँ, तो इसमें CNG इंस्टॉल्ड है। अच्छा, CNG लगी हुई है, सामान वगैरह सब लगा हुआ है? कुछ लगा हुआ है, इसको मैं CNG पे भी चलाता हूँ। अच्छा, अभी CNG भी आधी CNG पे आधी पेट्रोल पे? अच्छा ठीक है, पेट्रोल और CNG दोनों पे यूज़। अभी आजकल तो CNG पेट्रोल से तो काफ़ी ऊपर गई हुई है, दोनों पे यूज़ ज़्यादातर लोग अभी पेट्रोल ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, पेट्रोल सस्ता है और इंजन की हेल्थ भी अच्छी रहती है पेट्रोल में। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो मज़दा की गाड़ी हमें मिली है, 2007 का मॉडल है, 2012 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में। गाड़ी टोटल गाड़ी ओवरऑल आप लोगों को जेन्युइन की देखने को मिलेगी, वाइट कलर में है, बाकी जेपनीज वेरिएंट है ये गाड़ी। और गाड़ी माशाल्लाह से आउट क्लास कंडीशन में खड़ी हुई, कहीं से जंग नहीं मिलेगा, रस्ट नहीं मिलेगा, बॉडी में फेड नहीं मिलेगा, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में है। बाकी अलॉय रिम लगे हुए हैं, तकरीबन टायर की कंडीशन भी आप लोग कह सकते हैं 60-70% तक गोडे चारों टायर आप लोग को सेम ही कंडीशन में देखने को मिलेंगे। बाकी लाइट्स की बात करें तो लाइट्स में बिल्कुल साफ सुथरी हालत में देखने को मिलेगी। ग्रिल साइड से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं। एक मिनट सर, मैं पूरी गाड़ी कवर कर लूँ फिर एंड में ना इंजन रूम में आपसे देखे। अच्छा, तो बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में मौजूद है लाइट्स, आप लोगों को दोनों ही तरफ की जो है लाइट है बिल्कुल साफ़ मिलेंगी। बाकी विंड स्क्रीन से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं, इसे कहीं से टूटी भी नहीं है, क्रेक वगैरह नहीं है। बोनर से भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं और मज़दा की बाकी इस गाड़ी की जो मुझे भी नहीं पता इस गाड़ी में मतलब कितने फीचर हैं क्या नहीं है, फिर ओनर के साथ मिल के भाई के साथ भी शेयर कर देंगे। और है ये जैपनीज़ वेरियंट और पूरी गाड़ी मैं आप लोग को ओवरऑल विजिट करा देता हूँ, उसके बाद फिर जो है ओनर के साथ मिलके डिटेल बता देता हूँ। अच्छा, ये गाड़ी का नाम है टीमिनियो, मज़दा की है।
और बैक साइड की लाइट्स वगैरह भी आप लोग गाड़ी की चेक कर सकते हैं, तो साफ़ हैं। बाकी यहाँ पे रश है इतना कि क्या बोलें। और चारों ही टायर आप लोगों को सेम ही देखने को मिलेंगे। बाकी बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की बात करें, सबसे पहले हम दरवाज़ों की सील्स वगैरह चेक कर लेते हैं, बिल्कुल साफ की हालत में मौजूद है। पावर विंडो है जी, सीटों पे जो है ओरिजिनल सीटें हैं, मतलब कि अभी तक कोई कवर वगैरह इंस्टॉल नहीं है। बाकी बढ़ते हैं इंटीरियर की तरफ। इंटीरियर की बात करें, दरवाजे थोड़ा सा नीचे से थोड़ा सा फेड हो गए थे, मेरे ख्याल में जो जंग आ जाता है वो था, लेकिन अभी थोड़ा सा सही करवा दिया उन्होंने। बाकी पावर विंडो है, पावर विंडो है, पावर स्टेयरिंग है, ऑटो ट्रांसमिशन में कंपनी वाला जो ट्रैप सिस्टम है वो इंस्टॉल है, सीटें वगैरह जो ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। इंटीरियर पूरा इस गाड़ी का जेन्युइन मिलेगा और आउटसाइड से पूरी की पूरी गाड़ी आप पाएंगे वो जेन्युइन मिलेगी। और बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ, पूछ देखते हैं इंजन रूम की क्या कंडीशन है। खोल लीजिए, अच्छा सर कितने सीसी इंजन है इस गाड़ी के अंदर? 1340 सीसी का इंजन है। ठीक है सर, पेट्रोल इंजन 1340 सीसी का, ड्राई बैटरी वगैरह इंस्टॉल है। इंजन इस गाड़ी का अपना है सर? नहीं, इंजन चेंज है। इंजन चेंज है, पहले कितने सीसी था इस गाड़ी के अंदर? पहले यही सेम इंजन था। सेम इंजन था, अभी भी सेम इंजन है। अभी आपने इंजन डलवाया, ये बुक पे अपडेट करवाया नहीं आपने? अपडेट नहीं करवाया। अच्छा, इसका करवा के दूंगा मैं, अगर इसकी रसीद वगैरह है आपके पास? वो मैं करवा के दूंगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताइए। मेरे पास रिटर्न फाइल है इसकी। ठीक है, नंबर प्लेट? नंबर प्लेट इसकी अपनी जेनियन लगी हुई है। ठीक है, अभी नंबर प्लेट लगी हुई है जेनियन इस गाड़ी के अंदर? नहीं, जेनियन है ये नंबर प्लेट, जेनियन है नंबर प्लेट। जो मैं लेंगी, बाकी कोई काम तो नहीं है सर? नहीं, कोई ऐसा काम नहीं है। एसी वगैरह वर्किंग में सर? एसी वर्किंग में इसका। ठीक है सर जी, डिमांड क्या कर रहे हैं सर आप इस गाड़ी की? 16 लाख रुपए डिमांड करें। इसमें कितना गुंजाइश हो जाएगी? कुछ हो जाएगा पैसे, ऑफर चल सकती है इसमें? ठीक है, इसकी फाइनल प्राइस नहीं है, इसमें ऑफर वगैरह चल सकती है। बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब क्लियर है? जैपनीज गाड़ी है, पावर स्टेयरिंग है। ठीक है सर जी, लॉक है, सेंटर लॉक ऑप्शन वगैरह भी आपने करवाया हुआ है इस गाड़ी में? अपना जेन्युइन वाला अभी वर्क कर रहा है इसमें? ठीक है, 2007 से 2012 की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान में है। ठीक है सर, नंबर अपना शेयर कर दीजिए, वो आप इस्तेमाल में होता हो। 03302 जी जी 2152051। क्या नाम है आपका सर? अब्दुल मुकीद अथर। कहाँ की लोकेशन है? मेरी पुरंगी की। पुरंगी की लोकेशन है, ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया। तो ये गाड़ी है माशाल्लाह साफ सुथरी कंडीशन में गाड़ी है। बाकी अच्छा, डिक्की की साइड भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़ा सा उन्होंने बोलेंगे डिक्की साइड भी इस गाड़ी की दिखाए थे। तो ये स्पेस देख सकते हैं आप लोग, यार लग्जरी वाला स्पेस है, लग्जरी गाड़ियों में इतना है। अच्छा अच्छा जी, सीटें इसकी बैक भी हो जाएंगी और इसमें स्पेयर व्हील भी है। इसमें स्पेयर व्हील वगैरह आप लोग गाड़ी की फर्श वगैरह चेक कर सकते हैं, जेन्युइन जो कंपनी वाला स्पेयर व्हील आता है वही लगा हुआ है इसमें। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं टूल बॉक्स वगैरह जो है सिस्टम इसके पड़े हुए हैं। डिग्गी इसकी बहुत बड़ी है, जैसे कि कह सकते हैं यार GL XL की डिग्गी है, वो इतनी आती है। बाकी गाड़ी माशाल्लाह आउट क्लास कंडीशन में। ऑनर का नंबर मैंने भाइयों के साथ शेयर कर दिया है, किसी को चाहिए गाड़ी तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, डिटेल वगैरह सारी एड है इस वीडियो में, बहुत शुक्रिया। ये तो अभी भी गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन यहाँ साइड से बादल भी आ रहे हैं, अल्लाह खैर कर बारिश ना हो जाए। तो ये गाड़ी है हमारे पास भाई 2007 का मॉडल है, सुजुकी एल्टो है। बाहर से गाड़ी की कंडीशन मैं आप भाइयों को गाइड कर देता हूँ जी। बाहर से गाड़ी है शावर्ड है, शावर मतलब कि बाहर से फुहारा स्प्रे है, वो पक्का भट्टी पेंट वगैरह नहीं। अगर भट्टी पेंट वगैरह होता तब भी मैं आप भाइयों को बता दिया करूँगा। चलें जी, तो टायर्स की बात करें तो लहरम लगे हैं, तकरीबन कह सकते हैं कि आप 40% के आसपास टायर्स की कंडीशन भी गुड है। और लाइट्स की बात करें थोड़ी बहुत फेड हैं, लेकिन सही है, ग्रिल साइड भी साफ है इस गाड़ी की, और सर्विस नहीं की हुई। अगर गाड़ी सर्विस करवा के आते थोड़ी बहुत चेंज की भी कंडीशन आप भाइयों को मिल जाती। बाज़ अवकात यहाँ पर गाड़ियाँ कुछ ऐसे भाई लेके आते हैं जल्दी जल्दी में, तो सर्विस नहीं होती। चलें जी, तो गाड़ी की थोड़ा सा साइड वगैरह चेक कर लेते हैं। साइड की बात करें तो गाड़ी की साइडें जो है हमें साफ हालत में देखने को मिल रही हैं, कहीं से स्क्रेचेस नहीं है, जंग नहीं है, और रिपेयर करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बैक साइड से लाइट्स की बात करें तो लाइट्स हमें साफ हालत में देखने को मिल रही है, और डिग्गी वगैरह भी इस गाड़ी की बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मौजूद है। बैक साइड पर नंबर वगैरह लिखा हुआ है ओनर का, फिर मैं ओनर के साथ मिलकर आप भाई के साथ एक और नंबर भी शेयर करवा दूँगा जो ओनर के पास पर बस में यूज़ को होता है। आपकी वीडियो बना दूँ? लेने आए बेचने आए सर? चलें ठीक है, क्या नाम है आपका? आसिफ भाई नाम है। आप गाड़ी ढूंढ रहे यार, कोई कौन सी गाड़ी चाहिए थी आपको? मेहरान ढूंढ रहे हैं, ऑल्टो। मेहरान कौन सा मॉडल? मेहरान तकरीबन 2010 तक का। 2010 का रेंज क्या आपकी? पाँच साढ़े पाँच तक मिल जाएगी। ये कि अच्छी गाड़ी मिल जाए, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, 5.5 की रेंज है आपकी। ठीक है, शुक्रिया। अच्छा ये तो ये भाई हमारे घूम रहे हैं यहाँ पे गाड़ी लेने के चक्कर में, जो इनकी रेंज है इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 2010 का वो आसानी से 2010 जो है उसकी तकरीबन की प्राइस चल रही है 5.5 चल रही है। अच्छा जी, तो डोर्स की बात करें तो डोर्स हमें बिल्कुल साफ सुथरी हालत में मिल रहे हैं। बाकी अंदर की सीट की बात करें तो सीट्स पे जो है लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल है, क्लीनिंग की ज़रूरत है इस गाड़ी में इंटीरियर की। बाकी
छत साइड से भी गाड़ी बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन में मिल रही है हमें देखने को। बाकी आप लोग दरवाजे वगैरह भी चेक कर सकते हैं गाड़ी के, सही है 2007 के मॉडल के हिसाब के साथ अगर हम लोग बात करें तो सही है गाड़ी का इंटीरियर भी, बस क्लीनिंग करवानी पड़ेगी आप भाइयों को। बाकी बढ़ते हैं इंजन रूम की तरफ, देखते हैं इंजन रूम की क्या कंडीशन है, उसके बाद ओनर के साथ मिलकर प्राइस क्या गाड़ी की वो भी आप भाइयों के साथ शेयर करवा देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, इंजन रूम से गाड़ी है कुछ इस तरह से है 1000 cc इंजन में, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एट्रो की जो इंजन होता है वो 1000 cc होता है, ज़्यादातर एट्रो का इंजन अपना ही मिलेगा, कुछ चेंज वगैरह नहीं मिलेगा। बाकी AC वगैरह इंस्टॉल है इस गाड़ी के अंदर, बाकी पूछ लेंगे ओनर से कि AC वगैरह वर्किंग में है कि नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या डिमांड कर रहे हैं सर? 36 2007 का मॉडल है सर, अपने इंजन में गाड़ी है सर? अपने इंजन में। अच्छा, CPLC टैक्स वगैरह सब क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, नंबर प्लेट दोनों जेन्युइन है सर इस गाड़ी की? दोनों जेन्युइन। ठीक है सर जी, नंबर अपना बता दीजिए जो आपके इस्तेमाल में। 0348 9097 6906 90। क्या नाम है सर? सुधीर भाई। कहाँ की लोकेशन सुधीर भाई? नया नाजमाबाद की लोकेशन। ठीक है सुधीर भाई के पास गाड़ी मौजूद होती है, नया नाजमाबाद की लोकेशन है। सुधीर भाई, इसमें कोई कमी पेशी हो जाएगी या फाइनल प्राइस है आपकी? गुंजाइश हो जाएगा। AC वगैरह वर्किंग है इस गाड़ी का? ठीक है सर जी, ओके। तो लोकेशन वगैरह भाई की जो ऐड कर दूंगा स्क्रीन पे, नंबर वगैरह भी ऐड कर दूंगा, अगर आप भाई को चाहिए तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। आज की वीडियो थी यहीं तक, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट संडे, और इस वीडियो को यहीं वैसे एंड कर रहे हैं, और इसके बाद हमारे 4 पार्ट जो हैं वो और अपलोड होंगे, वो हर दिन के हिसाब से हम लोग तकरीबन 5:30 to 6 तक हम लोग अपलोड करते रहते हैं। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट संडे, तब तक मेरे सर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हाफिज़।